दे आर वेरी सिमिलर बट देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू ठीक है उनमें दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है दे लिव इन वाटर एंड सम लिव इन लैंड एनिमल्स ठीक है दे बोथ फाउंड इन द सी एंड द रिवर्स दे ईट प्लांट्स दे बोथ ईट प्लान्ट एंड मील्स दे लिव मच लॉन्गर ठीक है सो इनके रिलेटेड ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने इनके बारे में स्टडी करनी है कि ये क्या होते हैं ठीक है कैसे होते हैं ठीक है इनमें डिफरेंस क्या है यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द दाइज एंड द टर्टल ओके सम नाउ सम वर्ड्स आर गिवन इन दिस बॉक्स एंड वी विल डू इन द चैप्टर एज दे कम ठीक है जैसे जैसे चैप्टर में वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस होते जाएंगे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द चैप्टर ओके बेटा सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पेज डेट इज स्टोरी थर्टी फाइव नाउ लेट अस रीड स्टोरी अबाउट अ यंग मैन एंड अ टर्टल ठीक है एक यंग मैन और टर्टल की स्टोरी है सो लेट स्टार्ट लॉन्ग लॉन्ग एगो सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ सी साइड वैन दे फाउंड अ टर्टल ठीक है कहते बहुत बहुत पुरानी बात है कुछ बच्चे सी साइड पे खेल रहे थे ठीक है सी साइड मतलब जहाँ पे सी का एरिया होता है उस साइड पे खेल रहे थे और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया एक टर्टल को वहाँ पे उन्होंने एक टर्टल देखा दे बिगेन टू ट्रबल द टर्टल ट्रबल मीन्स परेशान करना टीज करना ठीक है वो टर्टल को टीज करने लगे परेशान करने लग गए आफ्टर अ वाइल्ड अ यंग मैन केम अप टू दैम एंड शाउटेड स्टॉप इट ठीक है तो एक यंग मैन आया उसने शाउट किया बहुत ऊँची आवाज़ में बोला उसने क्या स्टॉप इट इसको स्टॉप करो द चिल्ड्रन वेंट अवे एंड लेफ्ट द टर्टल अलोन तो चिल्ड्रन क्या हो गए चले गए और उन्होंने टर्टल को अकेला छोड़ दिया थैंक यू फॉर सेविंग मी दोस्त चिल्ड्रन आई रियली वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू अ वरफुल पैलेस नाउ ठीक है तो वो टर्टल कहता है ये टर्टल कह रहा है बेटा थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम दोस्त चिल्ड्रन कह तब थैंक यू आपने मुझे सेव किया उन चिल्ड्रन से एंड मैं आपको रियली really इन्वाइट करना चाहता हूँ एक वंडरफुल पैलेस में वंडरफुल बेटा मतलब क्या होता है वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है बहुत अच्छे पैलेस में इन्वाइट मतलब न्योता देना है ना जब हम किसी को कार्ड्स दे के आते हैं जैसे आपने मैरिज ऑर्गेनाइज़ किया या आपके घर में कोई पार्ट रखा होता है तो आप इन्विटेशन देने जाते हो ना सिमिलरली उसने इन्वाइट किया कि आप आना ठीक है प्लीज़ क्लाइंब ऑन माई बैक कि मेरी बैक के ऊपर आप क्लाइम कर जो यानी पैड शाओ ठीक है उसको बिठा के वो चला जाता है द यंग मैन वाज सरप्राइज टू हीयर द टर्टल स्पीक अब यंग मैन सरप्राइज हो गया आप भी सरप्राइज हो जाएगा अगर कोई एनिमल आपसे बात करेगा सिमिलरली ही ऑल्सो गेट सरप्राइज दैट द एनिमल इज टॉकिंग टू हिम एज सुन एज द यंग मैन गॉड ऑन टू द बैक ऑफ द टर्टल ही वॉज टेकन टू ए सीक्रेट डीप सीक्रेट पैलेस डीप इनसाइड द सी ठीक है जैसे ही वो यंग मैन उसकी बैक के ऊपर बैठा वो उसको एक सीक्रेट पैलेस में ले गया जो कि बिल्कुल नीचे काफ़ी नीचे डीप सी में एक पैलेस था सीक्रेटली वैन दे अराइवड एट द पैलेस ही वॉज़ वेरी सरप्राइज टू नो दैट द टर्टल वॉज़ ए किंग ठीक है जब वो पैलेस में पहुंचा तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि उस पैलेस का जो किंग था वो कौन था टर्टल था पैलेस बेटा आपको पता ही होता है जो राजमहल होते हैं उनको हम पैलेस कह देते हैं ही लुकड अराउंड एंड सेट टू द टर्टल वट अ लवली प्लेस उसने देखा आस पास और कहा कि बहुत ही सुंदर प्लेस है ठीक है द पैलेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड द किंग ऑफ द टर्टल्स हैल्ड अ बिग फेस्ट फॉर हिम ठीक है अब जो पैलेस था वो बहुत ब्यूटीफुल था और जो किंग ऑफ टर्टल्स द किंग ऑफ टर्टल्स हैल्ड अ बिग फेस्ट फॉर हिम तो जो किंग था वो टर्टल जो टर्टल उसको लेके आया था वो किंग था ना तो उसने उसके लिए एक बिग फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया बिग फेस्ट मीन्स जैसे एक फंक्शन टाइप हो जाता है बेटा जिसमें बहुत सारे मील्स या हम बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं ठीक है थीके? ऐसे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया द यंग मैन मेट मैनी पीपल एंड क्रिएटर्स अब वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों से मिला और क्रिएटर्स क्रिएटर्स यानी जो भी Uh, जीव जंतु होते हैं जैसे हम कहते ना वाटर लिविंग एनिमल्स हैं कुछ भी ऐसे न्यू एनिमल्स उन्होंने देखे उनके साथ वो मिला ही हैड नेवर अटेंडेड सच अ वंडरफुल फेस्ट तो उसने कभी ऐसा फेस्ट अटेंड नहीं किया था अटेंड मतलब ज्वाइन करना या किसी को अटेंड करना ठीक है एवरी वन गेम ही मा वॉर्म वेलकम एंड ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद एवरी थिंग तो सबने उसका वार्म वेलकम किया बहुत ही प्यार से उसका वेलकम किया एंड वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ इन सब चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड मतलब उसको संतुष्टि मिली ठीक है प्लेजर मिला ही thought दैट देयर वाज नो अदर प्लेस नाइसर देन वन तो उसको भी यही लगा कि शायद इससे अच्छी प्लेस कहीं और नहीं होगी ही said टू द टर्टल थैंक यू आई एम ग्लैड टू हैव met यू ठीक है ओके तभी मैं आपका थैंक यू करता हूँ मैं बहुत ग्लैड हूँ ग्लैड मीन्स हैप्पी टू हैव अ मैटर यू कि आपसे जो मिला हूँ तो मैं बहुत हैप्पी हूँ वेन इट वॉज द टाइम टू लीव द टर्टल सेट आई एम गोइंग टू गिव यू टू बॉक्सेज ठीक है जब टाइम हुआ उसके जाने का कि मैं अब जाना चाहता हूँ तो टर्टल ने उसको टू बॉक्सिस दिए ठीक है बट यू कैन ओनली ओपन वन ऑफ द बॉक्सेज यू मस्ट नॉट ओपन बोथ डोंट फॉरगेट ठीक है तो उसने उसको बताया कि तुम सिर्फ एक बॉक्स को खोल सकते हो दोनों बॉक्स नहीं खोल सकते तो ये बात कभी भूलना मत डोंट फॉरगेट ओके सो ऑल राइट आई विल ओपन ओनली वन द यंग मैन प्रामिस्ड ठीक है यंग मैन ने प्रोमिस किया कि मैं सिर्फ वन ही ओपन करूँगा अ लार्ज क्राउड ऑफ़ क्रिएटर्स हैर गैदर्ड देर टू विश हिम गुड बाय अब सारे जो क्रिएटर्स थे वॉटर एनिमल्स थे जो भी वाटर में रह रहे थे वो सारे गैदर्ड हुए गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने उसे गुड बाय बोला ठीक है विश किया ही थैंक्ड ही थैंक्ड एवरी वन एंड वेंट बैक टू हिज लैंड तो उसने थैंक यू बोला सबको एंड अपने लैंड पे चला गया आफ्टर ई गोट होम ही वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा होना ना वॉन्ट टू नो समथिंग क्या हो क्या होगा इसमें बॉक्सेस में वो क्यूरियस हो रहा था इस बारे में ठीक है ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड वॉन्टेड टू नो वट वाज इन द बॉक्स और जानना चाहता था कि इन बॉक्सेज में क्या है ही क्विकली ओपन द बिगर ऑफ द टू बॉक्सेज उसने जल्दी से जो बड़ा बॉक्स था उसको ओपन कर लिया ठीक है टू हिज अमेजमेंट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ गोल्ड इन द बॉक्स उसकी अमेजमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज़ कि उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ एकदम से ग्रेट सरप्राइज मीन्स कि बहुत अच्छा लगने वाला सरप्राइज ठीक है जैसे ही उसने बड़ा वाला बॉक्स खोला ठीक है तो उसने को बहुत सरप्राइज हुआ कि उसमें बहुत सारा गोल्ड था ठीक है बहुत सारा गोल्ड था उस बॉक्स में ओके बेटा रीड अप टू दिस एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इट्स अ बैक एक्सरसाइज ऑल्सो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके बेटा थैंक यू